नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और मैं आपको GFNR के नियम 2 में परिभाषाओं से संबंधित जो शब्दावली है उससे रूबरू करा रहा हूं। आज के एपिसोड में हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ई ट्रेजरी, ई ऑक्शन और ई ग्रास के संबंध में समझेंगे। ई पेमेंट जो है वो जनता द्वारा भुगतान सरकार के पक्ष में किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो सरकार द्वारा भुगतान जनता के पक्ष में किया जाता है। यहाँ जनता का मतलब जो सरकार का बकाया राशि, सरकार को देय राशि को भुगतान करने के लिए जिम्मेवार है वह भुगतान करता सरकार को भुगतान करता है, सरकार के पक्ष में भुगतान करता है, वह ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान करता है। और सरकार जब भुगतान प्राप्त करने वालों को भुगतान करती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से जनता को या लाभार्थियों को या प्राप्त करने वालों को, जैसे कि वेतन के रूप में सरकार के कर्मचारी भुगतान प्राप्त करते हैं, लाभार्थी सरकार से भुगतान प्राप्त करते हैं या अन्य कोई भी जिसे सरकार के द्वारा भुगतान किया जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जरिए सरकार प्राप्त करने वालों को भुगतान करती है। और ई पेमेंट के जरिए सरकार में राशि जमा होती है, जमाकर्ता ई पेमेंट के जरिए सरकार को जमा करवाते हैं। यही दोनों में भेद है। इन दोनों को मैं बैंक के जरिए समझाता हूँ कि किस तरह से ये भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा और किस तरह से जनता के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। ये ई पेमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, ये सारे के सारे ऑनलाइन भुगतान किए जाते हैं और सारे के सारे बैंक के द्वारा भुगतान किए जाते हैं, ऑनलाइन भुगतान किए जाते हैं और एक खाते से दूसरे खाते में राशि जमा की जाती है या एक खाते से निकाल कर दूसरे खाते में प्राप्त की जाती है, चाहे ई पेमेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो। अंतर केवल इतना सा है कि ई पेमेंट में सरकार को भुगतान किया जाता है, सरकार राशि प्राप्त करती है अपने खाते में, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सरकार अपने खाते में से प्राप्तकर्ता को, चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्तकर्ता हो, उनके खाते में जमा करती है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे ये बैंक है तो बैंक में सरकार का भी खाता होता है। यहाँ जैसे ये सरकार का अकाउंट है और बैंक में जनता का भी, आम जनता का भी अकाउंट होता है, जिसे आम जनता ने यहाँ अकाउंट खोल रखे हैं बैंक में। तो जो जनता के या पब्लिक के जो अकाउंट है बैंक में, यदि उनमें से किसी को सरकार को भुगतान करना है, सरकार की देयता बनती है तो भुगतान करेगा, तो उसके खाते में से राशि निकाल कर सरकार के खाते में ट्रांसफ़र कर देना ई पेमेंट कहलाता है। यह फंड ट्रांसफ़र सर्विस के द्वारा किया जाता है। यह फंड ट्रांसफ़र सर्विस किसकी होती है? बैंक की। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस बैंक की होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र सर्विस के जरिए एक खाते से राशि निकाल कर दूसरे खाते में जमा कर देना वह फंड ट्रांसफ़र सिस्टम या फंड ट्रांसफ़र सर्विस होती है बैंक की। तो फंड ट्रांसफ़र सर्विस के जरिए जनता के खाते से राशि निकाल कर सरकार के खाते में ट्रांसफ़र कर देना, यह ई पेमेंट है। अब देखो, जनता से, आम पब्लिक से सरकार किस रूप में राशि लेती है? जैसे टैक्स वसूलती है, जैसे किसी की आय अधिक है, टैक्सेबल है, तो उसे आयकर लिया जाएगा। जो उत्पादन करता है, जो कंपनियां हैं, उनसे उनके उत्पादन पर टैक्स लिया जाएगा। जो व्यापारी है उनसे व्यापार पर टैक्स लिया जाएगा। तो जो भी विभिन्न प्रकार के टैक्स है, टैक्सों के रूप में जनता सरकार में राशि जमा कराती है और यह सीधे ही उसके खाते से निकाल कर सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।
केवल एंट्री होती है, उसके खाते को नाम कर दिया जाता है जिसके खाते से राशि लेनी है, और सरकार के खाते को जमा कर दिया जाता है। और इस तरह से जैसे टैक्स या अन्य कोई भी सरकार को जो देयता है, सरकार को जो भुगतान करना है जनता के द्वारा, चाहे व्यापारी के रूप में, चाहे कंपनी के रूप में, चाहे किसी भी तरह से, तो उस सरकार की जो देयता है, सरकार को जो राशि जमा करवानी है, वह राशि उस उनके खाते से लेकर सरकार के खाते में एंट्री कर दी जाती है। सरकार खाते में राशि जमा हो जाती है, उसके खाते में राशि नाम हो जाती है, यानी उसके खाते में माइनस हो जाती है, सरकार के खाते में प्लस हो जाती है। इसे बोलते हैं ई पेमेंट। अब ई पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दोनों जो शब्दावली है ये कन्फ्यूज करने वाली है, और इन पर ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये संभावना ज्यादा है। ई ट्रेजरी, ई ऑक्शन और ई ग्रास पर के प्रश्न बनने के चांस कम है, इन दोनों पर की कन्फ्यूज करने वाले वर्ड है, इसलिए इनको विशेष रूप से याद रखना है। ई ग्रास भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सरकार भुगतान करती है जनता को, तो सरकार के खाते से हैं, सरकार के अकाउंट से राशि जनता के खाते में डाली जाती है। जो पब्लिक का अकाउंट है उनके खाते में, उनके खाते से राशि डाली जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया जाता है, ये कोषालय के मार्फत किया जाता है, कोषालय या उपकोषालय के मार्फत ये भुगतान जनता के खाते में सीधे ही किया जाता है। जनता को भुगतान, जैसे सरकारी कर्मचारी है तो उनको वेतन भत्तों के रूप में भुगतान किया जाता है, या जैसे कोई लाभार्थी है किसी भी सरकारी योजना में लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभार्थियों के खाते में राशि जमा करानी होती है, या अन्य किसी भी रूप में सरकार को यदि भुगतान करना है तो सरकार कोषालय, ट्रेजरी और सब ट्रेजरी के मार्फत आम लोगों के खाते में, जो कि किसी न किसी रूप में सरकार में राशि मांगते हैं, सरकार से धनराशि प्राप्त करने के हकदार हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से की जाती है, और कोषालय और उपकोषालय के मार्फत यह किया जाता है। ई ग्रास जो है यह एक अकाउंटिंग सिस्टम है। ई ग्रास का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम ई ग्रास की फुल फॉर्म है। सरकार की जो प्राप्तियां है उनको ऑनलाइन जमा करने के जो संपूर्ण अकाउंटिंग सिस्टम है, संपूर्ण जो प्रक्रिया है वह ई ग्रास कहलाती है। तो सरकार ई पेमेंट के जरिए भुगतान प्राप्त करती है, तो ई पेमेंट ई ग्रास का एक भाग है। ई ग्रास एक संपूर्ण सिस्टम है, एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत सरकार के सारे खाते रखे जाते हैं, सरकार का सारा पैसा जमा होता है अकाउंट में, सीधे बैंक में ही जमा किया जाता है, और यह ऑनलाइन जमा किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है इसको ई ग्रास बोलते हैं। ई ट्रेजरी जो है वह एक केंद्रीय कोषालय है। यह केंद्रीय कोषालय जो है, जो सरकार की संपूर्ण प्राप्तियां हैं, जो सरकार की संपूर्ण जमाएं हैं, उन संपूर्ण प्राप्तियों और जमाओं को जो कि ऑनलाइन की जाती है, ये जो ऑनलाइन जमाएं की जाती है, प्राप्ति की जाती है, सरकार की उन संपूर्ण जमाओं को मैनेज करने का काम यह ई ट्रेजरी करती है, केंद्रीय कोषालय करता है। यह जो संपूर्ण राजस्थान में जो जिले हैं उन जिलों के अलावा जो ये अलग से एक कोषालय है जिसे ई कोषालय कहते हैं, ई ट्रेजरी कहते हैं, जो कि एक केंद्रीय है, जो कि पूरे राजस्थान में एक ही है। दूसरा यह अपनी वेबसाइट के जरिए ई चालान की फैसिलिटी देती है, ऑनलाइन जमाओं को मैनेज करने के अलावा ई चालान की फैसिलिटी देती है, और प्राप्तियों और जमा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान को स्वीकार करने के लिए यह इनेबल करती है केंद्रीय कोषालय, जिसे ई ट्रेजरी कहते हैं। ये सारा का सारा ई ट्रेजरी का काम है, ये सारा का सारा ऑनलाइन है, ये संपूर्ण काम ऑनलाइन किया जाता है। ई ऑक्शन में क्या होता है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ऑनलाइन नीलामी की जाती है, ऑनलाइन ऑक्शन किया जाता है, जिसमें एक तरफ पार्टिसिपेट करता है ऑक्शनर, कौन, सरकार, यानी एक तरफ सरकारी सत्ता, सरकारी प्रतिनिधि, सरकार
की तरफ से प्राधिकारी, और दूसरी तरफ जो बीडर होता है, जो बोली लगाने वाला होता है, जो इसमें भाग लेने वाला होता है, ये दोनों पक्ष मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन, और ये प्रक्रिया संपूर्ण की जाती है ई ऑक्शन की। यह होता है ई ऑक्शन। ई ट्रेजरी, ई ग्रास और ई पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये चारों टर्म है वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना जरूरी था। और इनके साथ ही एक बैंक की जो शाखा होती है इसे बोलते हैं ई फोकल पॉइंट। ये ई फोकल पॉइंट है, प्रतिदिन जितने भी सरकार की जमाएं होती है इन जमाओं की सूचनाएं जो है, रिपोर्ट जो है तैयार करके प्रतिदिन शाम को संबंधित कोषालय को उपलब्ध कराती है। आज के समय में जितने भी ट्रेजरी और सब ट्रेजरी है उनका संपूर्ण जो कार्य है वो लेन देन का बैंक के मार्फत होता है, और बैंक में सरकार का खाता होता है और आम जनता, कंपनियां, हर जो एजेंसी है उन सब के बैंक में खाते होते हैं, और ये सारा जो काम है लेन देन का वो बैंक के जरिए किया जाता है, चाहे वो जमा करने का हो चाहे भुगतान करने का हो। ई पेमेंट के जरिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सरकार को जमाएं की जाती है, सरकार को भुगतान किया जाता है टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में, या अन्य कोई भी सरकारी बकाया हो सरकार को राशि देता हो वो ई पेमेंट के जरिए होता है। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सरकार जनता को, कर्मचारी को वेतन के रूप में और अन्य लाभार्थियों को धनराशि के रूप में भुगतान करती है, और यह कोषालय और ई कोषालय के मार्फत होता है। और ई पेमेंट सीधे ही जो भुगतान करता है उसके खाते से राशि निकालकर सीधे ही बैंक के खाते में जमा की जाती है ई पेमेंट में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में बैंक जो है वो कोषालय और कोषालय से जैसे उनसे उनको धनादेश प्राप्त होता है जमा करने का, तो वो लाभार्थी के या कर्मचारियों के खाते में सीधे ही राशि डाल देती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है। GF&R के संबंध में जो भी टॉपिक्स लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और मैं सभी लोगों के कमेंट्स के आधार को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।